रहमान रहीम सो वी आर कॉन्टीन्यूंग विद स्ट्रैटीज़ विच वी आर डूइंग एडवांस लेवल की स्ट्रैटीज़ हैं और इसमें हमने कहा था कि ये न्यू इनोवेशनस हैं मेक श्योर वी ट्राई टू लर्न दैम इन ग्रेट फॉर्म तो स्ट्रैटी विद बी आर डूइंग इज़ बियर स्प्रेड स्ट्रेटजी ये कॉन्टीन्यूएशन है हमने इसका पहले एक मॉडल किया था जिसमें हमने बात की थी बियर पुट स्ट्राटजी कैसे मूव ऑन करती है अब आज हम उसकी एक अदर साइड देखते हैं हाउ इट फर्दर वर्क्स थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बियर पुट स्ट्रैटी इज एन ऑप्शन स्ट्रैटजी इम्प्लीमेंटेड बाई इन्वेस्टर हु इज़ एक्चुअली बेरिश अबाउट द मार्केट वैन वी से बेरिश इसका मतलब है जिस तरह हमने पूरी डिटेल से बात की थी कि वैन यू एक्सपेक्ट मार्केट्स टू फॉल डाउन वो फॉलिंग सिचुएशन में वो अर्न करना चाहता है तो वो बेयरिश सेंटिमेंट से आ रहा है और ये स्ट्रेटजी हमारी उस फॉर्म में ज़्यादा हमें हेल्प आउट करेगी बियर स्ट्रेटजी जो है हमारी दो टाइप्स की होती हैं बीअर पोर्ट इसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है देन सेकंड इज बियर कॉल लॉजिक वही है कि हमने फॉलिंग मार्केट से गेन करना है पहले हमने पोर्ट ऑप्शन के थ्रू देखा था ये कैसे हो सकता है आज हम बात करेंगे कि कॉल ऑप्शन के थ्रू हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं बियर कॉल और बियर कॉल क्रेडिट स्ट्रेटजी इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज एंड ऑप्शन ट्रेडर कि बेसिकली ये कॉल्स के थ्रू हम अपना ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं जिसमें अगर मार्केट फॉल करती है तो वी शुड गेन इसमें होगा क्या इट कैन दिस ऑफ वन शॉर्ट कॉल विद अ लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड वन लॉन्ग कॉल विद अ हायर स्ट्राइक प्राइस ये दो हम ये कॉल ऑप्शन में एंटर होंगे एक में शॉर्ट होंगे जिसकी स्ट्राइक प्राइस कम होगी और जिसकी स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होगी उसमें हम लॉन्ग होंगे बोथ कॉल हैव सेम अंडरलाइंग एसेट क्योंकि डेफिनेटली तभी बनेगी जब एक अंडरलाइंग होगी और एक्सपायरेशन पीरियड इनका सेम होना चाहिए एम इज टू प्रॉफिट फ्रॉम न्यूट्रल टू प्राइस एक्शन इन अंडरलाइन स्टॉक इसमें जो अगर फॉल आती है तो वी शुड गेन आउट ऑफ इट फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है हमने जैसे कहा था एक सेल करेंगे हम हमने एक्स वाई जी की एक ऑप्शन सेल की और उस हमें प्रीमियम रिसीव हो गया थ्री पॉइंट थ्री क्योंकि हमने वी आर राइटर ऑफ द कॉल एट द सेम टाइम हमने क्या किया 105 की एक ऑप्शन बाय कर ली क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा थी इसलिए उसका प्रीमियम भी कम था तो वी यूर पेइंग 1.5 डॉलर्स फॉर दैट तो इस नेट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ हमें 1.8 डॉलर्स पर जो स्ट्रेटजी पर स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्बिनेशन में हमें रिसीव हो गए अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा इसमें पोटेंशियल प्रॉफिट इज लिमिटेड टू नेट प्रीमियम रिसीव क्योंकि हम ऑप्शन राइटर बने हुए हैं मेनली तो हमारा मेन बेनिफिट क्या होगा कि जो हमने प्रीमियम नेट रिसीव किया है लेस एनी कमीशन और एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ये अब हमें इसके सिचुएशन का अब देखेंगे कब डिटर्मिन uh, होगा कि वेन इट्स लाइक इसकी जो रियलाइजेशन होगी बिलो स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट कॉल एड एक्सप्रेशन एंड बोथ कॉल्स वर्थ लेस मतलब यह है कि हमारे स्टॉक की प्राइस एक्चुअली इतनी बढ़ी नहीं है और वो नीचे रही यानी कि एक्चुअली गिर गई या उससे नीचे रही तो वो दोनों ऑप्शन एक्सपायर हो गई और हमें प्रॉफिट हो गया अभी हम इस एग्जाम्पल में आपको ये फिगर्स के साथ भी देखेंगे इट इक्वल्स टू मैक्सिमम रिस्क इसमें क्या है इट इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस माइनस द नेट क्रेडिट रिसीव्ड इंक्लूडिंग कमीशन इन दिस एग्जाम्पल अब डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस क्या है क्योंकि हमने एक जो कॉल ऑप्शन खरीदी हुई है वो 105 की है और जो अभी हमारी जो है दूसरी वो 100 है तो डिफरेंस इज फाइव तो फाइव इज अमाउंट माइनस इसमें से हम कर देंगे जो हमें हमने क्रेडिट हुआ है तो दैट डिफरेंस बिटवीन फाइव एंड पॉइंट एट इज थ्री पॉइंट टू इज द मैक्सिमम रिस्क दैट यू कैन बेयर फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी क्योंकि तो ये हमें आपको इतना जो है इम्पैक्ट आ सकता है इफ़ स्टॉक प्राइस एक्चुअली शूट अप तो वो भी इसकी एक अदर साइड ऑफ साइड है मैक्सिमम रिस्क इज रियलाइज इफ स्टॉक प्राइस इज एट और अब द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द लॉन्ग कॉल एट एक्सपाइर कि वह ऊपर तक पहुँच गई है स्ट्राइक शेयर की प्राइस बढ़ गई है तो हमें फिर उसमें लॉस हो गया शॉर्ट कॉल जनरली साइन एट एक्सपाइर वेन स्टॉक प्राइस अब द स्ट्राइक प्राइस तो वो जब उसकी उसमें स्ट्राइक प्राइस से हायर हो जाएगी तो फिर ये हमें ज्यादा इम्पैक्ट करेगा और हमें उसको लूज हाइड होगी बट वी विल बी बेनिफिटिंग वेन इट्स मूविंग इन आर फेयर डायरेक्शन ब्रेक इवन कब होगा इसका ब्रेक इवन इसका होगा हंड्रेड तो उसकी बेस प्राइस है जो उसकी लोअर स्ट्राइक प्राइस है जो पे जिसपे हमने उसको किया हुआ है प्लस हमने जो इसका प्रीमियम रिसीव कर दिया यानी कि वन हंड्रेड एंड वन पॉइंट एट तक अगर जाएगा तो हम ब्रेक इवन हो जाएंगे यानी कि वी विल नॉट बी मेकिंग एनी लॉस नॉर वी विल मेकिंग एनी गेन उसके ऊपर चला जाएगा तो फिर हमें लॉस की तरफ जाएगा यानी विल बी इम्पैक्टेड विद दैट ये अगर हम ग्राफिकली देखें तो यू कैन सी ये इसको आप रिकॉल कर लें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शेयर की प्राइस है या स्ट्राइक प्राइस है हंड्रेड से हंड्रेड एंड फाइव और जीरो इज द ब्रेक इवन लेवल एंड अबव दैट इज प्रॉफिट एंड बिलो दैट इज लॉस तो मैक्सिमम हमारा पोटेंशियल जो हमने देखा था वो ऊपर जा रहा है जो कि हमने शुरू में ही प्रीमियम रिसीव कर लिया है और डाउन साइड नीचे जो आ रही है कि अगर वो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तो हमें थ्री पॉइंट टू का जो लॉस आ रहा है तो दैट इज द लोअर साइड सो हायर इज़ द गेन फॉर अराउंड जो हमने देखा है वन पॉइंट एट और नीचे वाली साइड पे लॉस है इन स्ट्रेटेजीज को हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे और इसमें हमारी फ़र्दर इम्प्लीकेशन नई स्ट्रेटजीज भी आएंगी सो मेक श्योर इनको आप एक दफ़ा लिस्ट डाउन करें कहीं और रिकॉल कॉल दैम एंड डोंट कन्फ्यूज़ दैम थैंक यू